लवली यू टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो मैं आपके साथ फेशियल शेयर करने वाली हूँ, जो हैम रेमेडी जो DIY शेयर करने वाली हूँ, वो बनाएगा आपके चेहरे को सॉफ्ट, सुंदर और चमकदार। तो आज जो मैं फेशियल तैयार करने वाली हूँ, जो DIY अपने चेहरे पर लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए ना हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है दही का। और मैंने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मैं दही से जो भी स्टेप है वो मैं बताऊँगी आपको। और यहाँ पर ना हमें पांच स्टेप यहाँ पे हमें करना है। तो इससे के लिए हमें ना इकट्ठे दही ले लेना है, और सबसे पहला जो स्टेप है वो करना है हमें यहाँ पे क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ये दही लिया है। तो यहाँ पे दही को इस तरीके से हमें अप्लाई करना है, और ओनली फॉर यहाँ मैंने दही ही लिया है। और इस तरह से हल्के हाथों से इसे हमें मसाज करते हुए पूरे चेहरे को क्लीन करना है। और इस तरह से दही से हम अगर क्लीन करते हैं ना अपने चेहरे को, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारे चेहरे को डीप क्लीन करता है। दही में ना लैक्टिक एसिड के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं, जो हमारे चेहरे को झाइयों झुरियों से बचाता है। अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी वो हमें निजात दिलाता है। दही की क्या ही मैं बेनिफिट बोलूँ, इतना ज़्यादा इसका बेनिफिट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से सर्कुलर मोशन में हमें यहाँ पे मसाज करना है नाक के पास, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हमें अच्छे से इसे रिमूव करना है। अगर दाने दाने हो रहे हैं तो उस जगह पर हमें यहाँ पर रिमूव करना है, नाक के ऊपर अच्छे से ही हमें यहाँ पर पूरे चेहरे पर इस तरह से अप्लाई करना। और ये देखिए, मैंने ना यहाँ पर थोड़ा सा थिक नहीं लिया है दही, तो ये हाथों में ढलक रहा है। तो यहाँ पर ना आपको थिक दही का इस्तेमाल करना है। मैंने इसको छाना था छन्नी में, बट ये थोड़ा देर और छन जाता ना तो ये अच्छे से ठीक हो जाता। तब मैंने लिया है यहाँ पे कॉटन का रुमाल, जिसको मैंने पानी से अच्छे से निचोड़ लिया है भिंगा करके, और यहाँ पे चेहरे को हमें पोंछ लेना है। देखिए, क्लींजिंग करने के बाद ही हमारा चेहरा कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है। दूसरा स्टेप हमारा है स्क्रब का, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच के करीब दही। उसके बाद हमें यहाँ पे लेना है चीनी 1 चम्मच के करीब। मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ, और ये साबुत चीनी है। जो चीनी होता है हमारे घर में ना, एक्चुअली वही है। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है वो है यहाँ पे चावल का आटा। ये भी बहुत ही अच्छे से स्क्रबर का काम करता है। तो यहाँ पे मैं चावल का आटा ऐड कर दे रही हूँ 1 चम्मच के करीब, और अब इसे हमें मिक्स करना है और इसे हमें स्क्रब करना है। बिल्कुल हल्के हाथों हमें स्क्रब करना है, क्योंकि हमने इसमें ना चीनी ऐड किया है, तो चेहरे पे कट वगैरह लगने का डर है। इसीलिए हमें यहाँ पे हल्के हाथों बिल्कुल इसे हमें स्क्रब करना है। जो इसमें हमने दही डाला है, तो दही की तो प्रॉपर्टी आप जानते ही हो कि कितने अच्छे से वो हमारे चेहरे को क्लीन करता है, कितने अच्छे से हमारे चेहरे से दाग धब्बे हटाता है, डर्ट हटाता है। अगर चेहरा डल पड़ने लगा है, अगर ब्लैक हेड और वाइट हेड का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको भी ये हटाता है। हमारे चेहरे में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, झाइयाँ आने लगी है, सारी चीज़ों को ये हटाता है। और इसमें जो हमने राइस फ्लोर डाला है, वो हमारे चेहरे में बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप लेके आता है, टाइटन अप करता है हमारे चेहरे को, बहुत ही अच्छे से हमारे चेहरे को क्लीन करता है, अंदर से नेचुरल ग्लो लेकर आता है हमारे चेहरे पे। तो चलिए, इस तरह से इसे हमें करीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए मसाज करना है। अगर आप कोई केमिकल बेस अगर स्क्रब नहीं यूज करना चाहते हो ना, तो आप इस तरह से स्क्रब बनाकर आप इसे वीक में 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा। और हमें जो हमारा नेक है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी गंदगी होती है। तो चलिए, इस तरह से 2 से 3 मिनट तक हम हल्के हाथों बिल्कुल मसाज करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों करेंगे, यहाँ नाक के पास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि और यहाँ पे हमें पूरे DIY में दही का इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ पे थिक वाली ही दही लीजिएगा। और इस तरह से जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे हमारे स्क्रब का, और ये हमारे जो चेहरे को ना बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, बहुत ही अच्छे से निखार लेके आता है, बिल्कुल अंदर सा ग्लो देता है, नेचुरल सा ग्लो देता है, अंदर से निखार लेकर आता है। तो देखिए, स्क्रब करने के बाद भी मैंने वही हैंकी लिया है, पानी में डिप करने के बाद निचोड़ा है, और फिर से हमें चेहरे को यहाँ पर क्लीन कर लेना है क्रीम का। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से मैं लूँगी 1 चम्मच के करीब दही, और सारे स्टेप में हमें दही चाहिए। और जो यहाँ पे दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल, तो इसे भी यहाँ पे लेना है 1/2 चम्मच के करीब। अब जो इसमें हम तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो यहाँ पे करना है हमें हनी का, तो इसे भी मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब ऐड करूँगी। और अब जो इसमें लास्ट जाएगा वो जाएगा विटामिन ई का 1 कैप्सूल,
इसको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल ले लीजिए जो आपके चेहरे को सूट करता है। तो यहाँ पे सारा इस तरीके से ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करती रही हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है। चलिए सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा मसाज क्रीम बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है मसाज क्रीम का, और ये हम जो फेशियल कर रहे हैं ना बिल्कुल पार्लर जैसा ही स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमें पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं होने वाले हैं, जो हमारा घर का प्रोडक्ट है वही यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है और बिल्कुल पार्लर जैसा ही आपको यहाँ पर ग्लो देने वाला है। आपका स्किन बहुत ही निखर के आने वाला है। तो देखिए मसाज भी 5 मिनट तक करने के बाद और इसे यहाँ पर चेहरे पर को पोछ लेना, और यहाँ पे आप मेरे चेहरे पे चमक देख सकते हो कि कितने अच्छे से हमारा मेरा चेहरा चमक रहा है। वो बनाना हमें पैक, तो उसके लिए भी हमें 1 चम्मच के करीब दही लेना है। और मैंने ना थोड़ा सा मैं थिक दही नहीं ली थी, इस वजह से जो दही है वो मेरा ढलक रहा है। मैंने छान के रखा था कटोरी में बट वो थिक हो नहीं पाया इस वजह से। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे है वो हमें यहाँ पे लेना है बेसन। बेसन हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। अगर बेस्ट फेस पैक की तरह इसे इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है जो हमारा ये बेसन है वो। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे हमें ऐड करना है वो करना है हल्दी पाउडर का। जी हाँ, यहाँ पे हमें हल्दी पाउडर लेना है, लेकिन हमें यहाँ पर कस्तूरी हल्दी या फिर गांठ वाली हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, तो चुटकी भर मतलब आधा चम्मच के करीब ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर का। और जो इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी में ऐड करूंगी, ये भी हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तो इसे भी यहाँ पे 1 चम्मच के करीब ऐड करना है। सारी चीज़ों को करना है हमें अच्छे से मिक्स और ये जो हमारा पैक है वो बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरी दही ना कम पड़ गई है, तो फिर थोड़ा सा मैं दही और ले लूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए ये जो पैक है ना वो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका भरपूर फ़ायदा जो है हमारे चेहरे को मिल पाए। इसमें हमने बेसन का इस्तेमाल किया है ना, ये हमारे स्किन की गंदगी को ना बहुत ही अच्छे से निकालता है। अगर बेस्ट फेस पैक की तरह, फेस वॉश की तरह हम इसे इस्तेमाल करें ना, तो बेसन सबसे अच्छा होता है फेस वॉश के लिए भी। आप इसे अपने चेहरे को धो सकते हो, हमारा चेहरा बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है। और इसमें मैंने ना मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, ये भी चेहरे के दाग धब्बों को हटाता है। चेहरे में बहुत ज़्यादा अगर पसीना आ रहा है ना तो उसे ये रोकता है। अगर स्किन ऑयली है तो उसको भी ये ठीक करता है। दाने हो रहे हैं, अगर पिंपल्स हो रहे हैं तो उसको भी ये ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। त्वचा की रंगत को निखारता है और ये ना गर्मियों में बहुत ही अच्छा हमारे चेहरे के लिए होता है। मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक होता है ना, वो अगर एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, झाइयाँ आ रही है, झुरियाँ आ रही है, तो उसको भी ये रिमूव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको इस तरीके से पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। नेक को हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है और इस फेस पैक को ना हमें सूखने तक रखना है। 10 से 15 मिनट में ये सूख जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं सुखाना है, बस ये हल्का हल्का ड्राई हो जाए उतनी देर हमें यहाँ पर रखना है, मतलब 10 से 15 मिनट। और ये देखिए ये ड्राई हो गया है ना, तो चलिए अब इसे नॉर्मल पानी से हमें वॉश कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं चेहरे को वॉश करके आ चुकी हूँ और आप यहाँ पर चेहरा मेरा देख सकते हो कि कितना अच्छा सा क्लीन लग रहा है बिल्कुल। और ये ना बहुत ही अच्छे से चमक रहा है मेरा चेहरा और मैंने कोई भी फिल्टर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। जो मेरे रूम्स में लाइट लगी हुई है, ओनली फॉर वन लाइट ही लगी हुई है, उसी से जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा चेहरा, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है। तो चलिए जो हमारा 5 स्टेप है और जो लास्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें बनाना है यहाँ पे एक सीरम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेना है दही, तो मैंने 1/2 चम्मच के करीब दही लिया है। और यहाँ पे आप कोई सा भी ऑयल ले लें, 3 से 4 बूंद लेना है, या फिर आप विटामिन ई का ऑयल ले सकते हो, या फिर आपके चेहरे को जो सूट करता है आप वो ऑयल यहाँ पर ले सकते हो। हाथों पर ही इसे हमें मिक्स करना है, बिल्कुल ये क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद इसे हमें चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप अगर ये जो फेशियल कर रहे हो ये नाइट में कर रहे हो तो आप इसे ओवरनाइट छोड़ दें, बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप नहीं इसे छोड़ सकते हो तो आप मिनिमम 1/2 घंटे के लिए इसे रख कर फिर आप पानी से वॉश कर लें और फिर आप जो अपना क्रीम लगाते हो डे क्रीम नाइट क्रीम आप वो लगा कर फिर रह सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से लगा दिया है और मैं इसे ओवरनाइट ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ये फेशियल जो भी मैं करती हूँ
फेशियल का स्टेप जो भी मैं आपको वीडियो देती हूँ ना, मैं नाइट में अधिकतर देने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे चेहरे में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट वो रेमेडी लेकर आए। तो फ्रेंड्स चलिए, ये रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको सिर्फ देखना नहीं है, इसे ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जो खुशी होती है ना, उसको आपको मेरे साथ शेयर